श्री महाकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुण घुमक्कर। दोस्तों इस बार फिर मैं आ गया हूँ आपको लेकर गुप्ता ग्राउंड नर्मदापुरम होशंगाबाद। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है और नगर में बहुत सारे गणेश जी विराजमान होंगे, तो हम गुप्ता ग्राउंड यहाँ पर जो कि मिट्टी के गणेश जी बनते हैं, हम इनको देखने आए हैं कि यहाँ कितने सारे गणेश जी हैं और कितनी हाइट के गणेश जी यहाँ पर बनते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ गणेश जी। नर्मदापुरम, जो माँ नर्मदा के पवित्र घाटों के कारण जाना जाता है, यहाँ पर माँ नर्मदा अपने विशाल स्वरूप को दर्शाती है, इसलिए माँ नर्मदा को जीवनदायिनी भी कहा जाता है। इसी कारण नर्मदापुरम में गणेश उत्सव पर मिट्टी के गणेश बनाए जाते हैं, जिससे माँ नर्मदा का पवित्र जल प्रदूषित ना हो। यही कारण कि यहाँ पर कई सालों से पीओपी की मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि हमारे नर्मदापुरम में मिट्टी के गणेश कैसे बनाए जाते हैं और यहाँ पर क्या क्या तैयारी चल रही है और मिट्टी के गणेश की मूर्ति के क्या फायदे हैं, यह सभी बताता हूँ। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी मूर्तियाँ बन चुकी हुई हैं और फिर गणेश चतुर्थी भी नज़दीकी है और आपको एक से एक मूर्ति देखने को मिलेगी। भाई साहब देख सकते हो यहाँ बहुत यूनिक मूर्तियाँ देखने को मिलती है। भाई छोटी भी मूर्तियाँ हैं और साथ ही आपको यहाँ पर बड़ी मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत बड़ी हैं और सुंदर हैं, जो कि 15 फीट, 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट और छोटी भी मूर्तियाँ देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये देखो भाई साहब सबसे क्यूट गणेश जी, जो ऊपर जो प्लेन अपन फिनिशिंग करते हैं वाइट कलर की, वो क्या होता है? मिट्टी होती है वो भी, वाइट मिट्टी, चौक मिट्टी। चौक मिट्टी, फिर कैसी रह रही तैयारी इस बार की? हाँ आपकी तैयारी हो गई? फिर क्या क्या लगता है कितनी मूर्ति निकाल दोगे इस बार? 70। तो आप देख सकते हो कि ये एक पंडाल में 70 मूर्ति निकालने का बता रहे हैं, तो आप सोचो कि यहाँ पर इतने सारे पंडाल हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ बनती है और झमाझम कार्यक्रम रहता है हमारे यहाँ का भी। देख सकते हो गाइस पूरा फेस भी प्योर मिट्टी का बना हुआ है। देखो गाइस क्या फिनिशिंग है भाई, और जब इसके ऊपर वाइट वाली मिट्टी जब चढ़ेगी ना, चाक मिट्टी जिसको कहते हैं, तो जो फिनिशिंग निकल के आएगी ना वो पीओपी फेल होगी, इसलिए मिट्टी की गणेश जी की बात ही अलग होती भाई। ऐसे ही मेहनत नहीं लगती बाबा, सांचे में डाल के मूर्ति बनाने बात अलग है, मगर हाथ से बनाने वाली मूर्ति की बात अलग है, इसलिए मिट्टी में मेहनत ज़्यादा लगती है। भैया कितना टाइम लगता है इस मूर्ति को बनाने में? एक ही मूर्ति को तो नहीं किया, सबको मिला मिला के किया है। नहीं मतलब मिनिमम अगर कोई व्यक्ति एक मूर्ति मतलब बनाता है तो उसमें, अगर एक ही मूर्ति में पूरे टाइम काम करना, दो तीन मिनट तक काम करना। तो कितने टाइम पहले बनाते हैं इसको? बड़ा स्टॉक, जैसे आपका तो इतना बड़ा स्टॉक है, तो इसको कितना टाइम लगा होगा ना, कितने महीने पहले बनाया होगा? तो 3-4 महीने हो जाते हैं। फिर 3-4 महीने पहले स्टार्ट करना होता है ना? जून से चालू होता है। अच्छा क्या लगता है, जैसे कि उज्जैन, इंदौर, अदर जगहों पर मतलब पीओपी की मूर्ति बनाते, बड़ी से बड़ी पीओपी की मूर्ति बनती है, और अपने यहाँ पर नर्मदापुरम में अपन मानते हैं कि मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं माँ नर्मदा को गंदा ना करने के कारण, है ना, पॉल्यूशन ना हो, इसलिए तो कहाँ तक बेटर है दोनों में? हर तरह से अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी बात है ये, तो क्योंकि मिट्टी की मूर्ति उनकी अपेक्षा कम बनती है, तो इनकी कीमत अच्छी मिल जाती है। जबकि पीओपी की मूर्ति अगर ये दिन भर में जैसे एक बन रही, पीओपी की मूर्ति 20 बनेगी। अब आप खुद ही सोच लो जिस चीज़ की शॉर्टेज होगी, हाँ, उसकी रेट तो अच्छी मिलेगी। हाँ तो एक हमारे नज़रिए से भी देखा जाए तो मिट्टी की मूर्ति में ज़्यादा फायदा है, और दूसरा प्रदूषण भी नहीं होता, पानी वगैरह भी। लेकिन व्यवसाय के तौर पे देखा जाए तो हमें इसमें ज़्यादा फायदा है, बाकी ये है अगर कस्टमर के नज़रिए से देखो तो उसे वो मूर्ति सस्ती पड़ेगी। हाँ सस्ती तो पड़ती है, मगर कहते हैं ना कि मतलब पीओपी सभी चीज़ से मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव फॉल्ट है उसके, पूजा के पर्पज से वो चीज़ नहीं करनी चाहिए पीओपी यूज़, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये चीज़ मान्यता है कि अगर भूमि को अगर आप पूजेंगे तो वो ज़्यादा मान्य होती है, क्योंकि हमारा शरीर भी उसी से पंच तत्वों से बना हुआ है, तो हमें अगर उन्हीं से फॉलो करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। और वैसे बोलते हैं कि इको फ्रेंडली भी होती है, अगर आप चाहें तो घर पे भी इसको विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पर घर पे अपने मूर्ति बनाकर या फिर घर पे अगर ना कोई मूर्ति खरीद के लाए हैं मिट्टी की, तो वह उसको घर पे भी विसर्जित कर सकते हैं। हाँ हाँ मूर्ति नहीं होती है, फिरती फिरती है, बेकदरी होती है। हाँ देखा है, कई कई जगहों पर देखा है। 8-10 दिन तक की पूजा पाठ की,
फिर एक दिन उनको आके पानी विसर्जन कर दिया जिसके पूरे खत्म भी नहीं हुए। हाँ। कहीं उस पर कुछ ना कुछ कर रहा है, गंदगी कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, इधर उधर फिट्टी फिर रही है, ये सारी चीजें होती है बिल्कुल। और फिर तोड़ना होता है, और वे उनको तो गड्ढे में पूर देते हैं। मतलब अपन ने 11 दिन उनको मेहनत से देखभाल करी, पूजा करी, इतना सब कुछ, और इसके बाद फिर ये सब चीज़ें। देख सकते हो भाई साहब, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं हमारे यहाँ पर, तो इस प्रकार की मूर्तियाँ बनती हैं बड़ी बड़ी, कोई मिट्टी की। भाई यहाँ पर देवी जी की मूर्तियाँ भी बन रही हैं, कम से कम 15 फीट की गणेश जी। भाई पानी का डर रहता है इसलिए यहाँ पर इतना सब व्यवस्थाओं के कारण रखा जाता है, ताकि पानी वानी ना लगे। मिट्टी की गणेश बनाने के लिए सबसे पहले धान के प्याल का उपयोग किया जाता है। लकड़ी और बांस के स्ट्रक्चर पर धान के प्याल को रस्सी और धागों से बांधा जाता है, और इसके बाद कच्ची मिट्टी का लेप लगाया जाता है। इसके बाद कच्ची मिट्टी लग जाने के बाद सूख जाती है, और फिर इसके ऊपर जूट जो आता है उससे जूट को मिट्टी में मिलाकर उसके ऊपर फिर लगाया जाता है, जिससे फिनिशिंग आए और मिट्टी के कारण मूर्ति चिटक ना पाए या तिड़ ना पाए। इसके बाद प्रॉपर तरीके से मूर्ति के सूख जाने के बाद उसके ऊपर सफ़ेद मिट्टी का लेप किया जाता है, ताकि छोटी मोटी जो क्रेक्स आए हैं मूर्ति में वो भी कवर हो जाती है। दोस्तों, इस साल आप भी कोशिश करें कि आप अपने घर में मिट्टी के गणेश विराजमान करें, उनकी सेवा करें, और विसर्जन भी अपने घर में ही करें, जिससे आपकी आस्था भी बनी रहेगी और हमारे बप्पा का अपमान भी नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।